गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इनबॉर्न बिहेवियर को देखा, जिसको हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर या फिर हम उसको इननेट बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लर्निंग बिहेवियर का जो पहला पार्ट है, जिसको हम फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर कहते हैं, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश कर ली है। आज आइए बच्चों, इस वीडियो सेगमेंट्स की इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग लर्निंग बिहेवियर का जो सेकेंड पार्ट है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर कहते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए समय जाना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या हुए कुछ खास इसमें। सबसे पहला पार्ट है बच्चों रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर में, पहला जो पार्ट है वो है इम्प्रिंटिंग। नाम से स्पष्ट है, शब्द से आपको लग रहा है इम्प्रिंट होना। इम्प्रिंट माने होता है बच्चों कि हूबहू हमारे मस्तिष्क में कोई चीज़ छप जाना, और जो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत समय तक जो हमारे दिमाग में छप जाता है, उसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं, है ना। इम्प्रिंट कहते नहीं, बहुत लोग कहते हैं समाज में ये चीज़ बिल्कुल एज सच इम्प्रिंट हो गया। इम्प्रिंट माने होता है कि दिमाग में बिल्कुल छप जाना, है ना। तो आइए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इसको हम क्या कहते हैं, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में इसको क्या कहा जाता है। तो इम्प्रिंटिंग हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। इट इज़ द रैपिड लर्निंग दैट अकर्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड सून आफ्टर द बर्थ आर हैचिंग एंड इट स्टेबलाइजेस द लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर। ये एक प्रकार का रैपिड लर्निंग है बच्चों, बहुत तेज़ी से सीखने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होती है, ये एक बहुत तेज़ी से सीखने वाली प्रक्रिया, बहुत तेज़ी से अधिगम करने वाली प्रक्रिया होती है। दैट अकर्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, जो ये क्रिटिकल पीरियड में होती है। रिमार्क करिए आप, ये क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है बच्चों, आफ्टर द बर्थ, बच्चा पैदा होने के, या फिर एक से जो बच्चा, जो चाइल्ड, जो बच्चा एक से हैच करके बाहर आता है, तो एक से हैच्ड हुआ बच्चा या माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा 48 घंटे के अंदर का जो ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड होता है बच्चे, उसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड। अर्थात माँ के गर्भ से जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वहाँ से आप काउंट करेंगे 48 घंटे तक। तो 48 घंटे का जो समय होता है, उसको हम इम्प्रिंटिंग, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। और इसी क्रिटिकल पीरियड में जो बच्चा अपने माँ बाप, अपने माता का जो बिहेवियर वो देख लेता है बच्चों, वो उसके दिमाग में इम्प्रिंट कर जाती है, छप जाती है। तो कुल मिला के आप इसको समझ लीजिए, आपके दैनिक जीवन में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि बच्चा पैदा होने के 48 घंटे तक माँ को अपने बच्चे के इन कॉन्टैक्ट में ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उसकी लॉन्ग लास्टिंग है, जो उसके भविष्य में काम आएंगी, जो अपनी माँ को वो हर समय पहचानेगा, वो केवल 48 घंटे के अंदर सीखता है। तो 48 घंटे तक उसकी माँ को उसके बेटे के साथ, उसके बच्चे के साथ जरूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके लाइफ से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ी है, उस समय उसको रहना चाहिए। तो आइए इस वीडियो सेगमेंट में हम आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है। तो यही कह रहा है, इट इज़ द रैपिड लर्निंग, ये बहुत तेज़ी से सीखने, बहुत तीव्र गति से सीखने वाली, बहुत तीव्र गति से अधिगम करने वाली पीरियड होती है। दैट अकर्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, जो एक क्रिटिकल पीरियड में होती है। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, जन्म होने से 48 घंटे तक का जो समय होता है, उसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। सून आफ्टर बर्थ कहा गया है, सून आफ्टर बर्थ, बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद से लेकर 48 घंटे तक का समय क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है। और हैचिंग या फिर अंडे से बाहर आया हुआ जो बच्चा होता है, अर्थात वो 48 घंटे तक जो उसका समय होगा, वो क्रिटिकल पीरियड कहेगा कहा जाएगा। एंड स्टेबलाइजेस लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर, और ये बिहेवियर जो होता है बच्चों, बहुत अनंत काल तक चलता है, बहुत समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है ये, है ना, बहुत समय तक ये चलता रहता है। तो एक बार फिर से आप रिमार्क करिए कि ये क्या होता है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है। इम्प्रिंटिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ द रैपिड लर्निंग, ये बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से सीखने वाला अधिगम होता है। दैट अकर्स ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड, जो एक क्रिटिकल पीरियड के समय होता है। सून आफ्टर द बर्थ आर हैचिंग, जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है, मतलब माता के गर्भ से पैदा होता है, या फिर अंडे से बाहर हैच करके जो बच्चा बाहर आता है। एंड स्टेबलाइज लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर, और ये जो सीखी हुई प्रक्रिया इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर कहलाती है, और बहुत समय तक उसके व्यवहार में बना रहता है, वो हर समय उसको अपने दिमाग में रखता है, है ना। क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है उस समय, वो हर समय अनंत काल तक अपनी माँ को ही, अपनी उसी माँ को माँ मानेगा, जिसको वो 48 घंटे के अंदर देखा हुआ है
ना? आप समझ लीजिए कि जो माँ अपने बच्चे को 48 घंटे तक नहीं देख पाएगी तो एक ऐसा समय आएगा कि वो बच्चा अपनी माँ को माँ ही नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो इसका क्रिटिकल टाइम है जिसमें वो अपनी माँ को एक्चुअल रूप से पहचानता है। अगर कोई माँ 48 घंटे तक अपने बच्चे से बाहर रही तो समझो कि वो माँ उसके रियल लाइफ में माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल पाएगा और ना बच्चा अपनी माँ को उस प्रकार से वो समझ ही पाएगा, क्योंकि उसको ये रहेगा कि ये मेरी माँ नहीं है। क्योंकि उस 48 घंटे के अंदर जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा उसको वो अपना पेरेंट्स मान लेता है, उसको अपनी माँ मान लेता है ना? तो आइए हम बात करते हैं आगे। एनिमल फॉलोज द बिकम सॉरी एनिमल फॉलो एंड बिकम अटैच टू व्हाट एवर लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट द फर्स्ट सी ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वो प्राणी अर्थात जो बच्चा है, एनिमल फॉलो, जो बच्चा है वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है एंड बिकम अटैच टू, और उससे जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है? जिसको वो फॉलो कर रहा है। किसने? अर्थात उस क्रिटिकल पीरियड के बीच में जिसको वो देख रहा है, जिसको वो देखेगा उसी को वो फॉलो करेगा। तो देखिए एनिमल फॉलो एंड बिकम अटैच्ड, वो बच्चा उसको फॉलो करेगा और उसके साथ जुड़ा रहेगा। व्हाट एवर लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट द फर्स्ट सी ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, उस क्रिटिकल पीरियड के समय जिसको वो पहली बार देखेगा। यहाँ देखिए ये दिया गया है, उस क्रिटिकल पीरियड के समय जिसको वो पहली बार देखेगा। और कैसा? मूविंग ऑब्जेक्ट, जो उसके आंख के सामने चलती हुई कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देगी और वो उस क्रिटिकल टाइम पीरियड में जिसको पहली बार देखेगा उसी को वो फॉलो करेगा और जीवन भर लॉन्ग लास्टिंग उसी के साथ अटैच रहेगा, उसी को वो अपना एक्चुअल माँ मान लेता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस क्रिटिकल टाइम पीरियड के समय बच्चा हैचिंग करने के बाद या माँ के गर्भ से निकलने के बाद जिसको पहली बार देखता है एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलता हुआ, एकदम स्टेग्नेंट नहीं, चलता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव, जिसको चलता हुआ ऑब्जेक्ट वो देख लेगा पहली बार उस क्रिटिकल टाइम पीरियड अर्थात 48 घंटे के अंदर, वो बच्चा उसी का अनुसरण जीवन पर्यंत करेगा और उसी के साथ अटैच रहेगा, उसी के साथ जुड़ा रहेगा और उसी को अपना एक्चुअल माँ मान लेता है, उसी को अपना स्वाभाविक माँ मान लेता है, उसी को अपना पेरेंट्स मानेगा। फिर वो जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे वो अनुसरण करेगा। इसीलिए देखिए जैसे ही बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आता है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी माँ होती है और माँ जिस प्रकार से उसको रिएक्ट करती है, जब माँ अपनी मुंह चलाती है तो बच्चा उसका अनुसरण करता रहता है। और एक समय आता है बच्चे जबकि बच्चा वो नहीं समझ पा रहा, उसको किसी शब्द का बोध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ अपने होठों को घुमाती है, जैसे जैसे उसकी होठ फिरकी लेती है, वो बच्चा हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि मेरी माँ मूवमेंट कर रही है और कुछ बता रही है। अब जैसे जैसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है, 1 साल का बच्चा हो जाता है, तो जैसे जैसे जिधर से उसकी माँ जाती है वो बच्चा अनुसरण करके उसके पीछे पीछे चल लेता है। क्यों? क्योंकि ये पता होता है कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट मेरी माँ होती है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को ही देखा है, तो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया, छप गया है वो क्रिटिकल पीरियड का समय, जो क्रिटिकल पीरियड जो 48 घंटे का जो दृश्य उसके सामने आया है उसको वो पहचान लेता है और फिर अपनी माँ को ही वो पहचानना शुरू करता है। सबसे ज़्यादा वो किसको पहचानता है? अपनी माँ को। क्यों? क्योंकि जैसे वो धरती पर आता है सबसे पहले रूबरू किसके साथ होता है? अपनी माँ के साथ होता है, अपनी माँ को ही एक बिल्कुल पेरेंट्स के रूप में पहचानना शुरू कर देता है। तो ज़रूरी है कि क्रिटिकल टाइम पीरियड में गर्भ से बच्चा आने के बाद 48 घंटे तक किसी भी कीमत पर माँ को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ के हैबिट को, उसके बिहेवियर को क्या करेगा? फॉलो करेगा और उसी के साथ जुड़ेगा, है ना? तो आगे देखिए अगला क्या चीज़ है। सो एनिमल्स मस्ट बी एक्सपोज टू द प्रॉपर स्टिमुलस, इसलिए क्या होता है? सो एनिमल मस्ट टू एक्सपोज द प्रॉपर स्टिमुलस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड, इसलिए उस क्रिटिकल पीरियड के समय कोई भी एनिमल्स अपने आप को क्या करेगा? प्रॉपरली स्टिमुलस के रूप में प्रपोज करता एक्सपोज करता है ना? तो कुल मिला के कोई भी एनिमल्स उस प्रॉपर क्रिटिकल पीरियड के समय में क्या करता है? अपने बिहेवियर को इम्प्रिंट करता है, अपने दिमाग में छापता है और वही चीज़ इसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत समय तक चलता रहेगा। देयर फोर इसलिए इम्प्रिंटिंग डिपेंड्स ऑन बोथ इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग एंड मे वेरी विद द इन्वायरमेंट, इसलिए ये जो इम्प्रिंटिंग होता है बच्चों, ये इम्प्रिंटिंग दोनों प्रकार के बिहेवियर को शो करता है, अर्थात ये इंस्टिंक्ट दैट इज द इनबॉर्न या इननेट एज वेल एज द लर्निंग। तो मैंने बताया कि व्यवहार दो प्रकार का होता है, कि इननेट होता है जो पैदाइशी हमको मिलता है, जो इनहेरिटेड होता है, जो माता पिता के जीन्स के द्वारा इनहेरिट हो जाता है, और दूसरा जो हम समाज में इन्वायरमेंट में आकर लर्निंग करते हैं। तो ये जो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर होता है बच्चों, इसमें दोनों चीज़ जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें इंस्टिंक्ट बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है और इसमें लर्निंग बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है, विच में वेरी विद द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ बदलता रहता है ना?
तो यही चीज है कि कुछ चीजें बच्चा जो अंदर से, क्योंकि ये जो एक बिहेवियर जो पहचानने की टेंडेंसी बच्चों आई है वो उसके माता पिता के जीन से मिला हुआ, क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आएगा पहचानने की जो बिहेवियर है, जो पहचानने की क्षमता उसके अंदर जनरेट हो रही है वो क्या है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। लेकिन बाहर आकर जो पहली बार वो देख रहा है वो तो यहाँ आके एक्वायर्ड कर रहा है, अर्जन कर रहा है ना, सीख रहा है भाई। वो जिसको देखेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसकी सगी माँ, जिसने जिसका जीन उसके अंदर है, अगर वो उसके सामने नहीं है तो वो अपने माँ को माँ नहीं पहचानेगा। अगर उसके सामने कोई दूसरा पेरेंट्स उसके सामने आ जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसको अपना पेरेंट्स मान लेता है। तो इसका मतलब ये बिहेवियर क्या किया, वो समाज में आकर सीखा है। तो उसके अंदर जो सोचने की, जो इम्प्रिंट होने की जो बिहेवियर है, वो तो हम कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, उसके माता पिता के जीन से मिला हुआ है। लेकिन समाज में आकर जो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो पहली बार अपना गार्जियंस मान लेता है, जिसको अपना पेरेंट्स मान लेता है, वो यहाँ आकर वो लर्निंग बिहेवियर के रूप में सीखा है, वो समाज में आकर सीखा है, वो इन्वायरमेंट में आकर सीखा है। तो वही इसमें कहा गया है, क्या कहा गया बच्चों, एक बार फिर से जानिए। सो द एनिमल्स मस्ट बी एक्सपोज टू द प्रॉपर स्टिमुलस ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। इसलिए क्रिटिकल पीरियड के समय किसी भी एनिमल्स को क्या होना चाहिए, उस समय एक्सपोज होना चाहिए, उस क्रिटिकल पीरियड में उसके माता पिता को उसके साथ होना चाहिए। देयर फॉर इम्प्रिंटिंग डिपेंड्स ऑन द बोथ। इसलिए ये इम्प्रिंटिंग दोनों पर डिपेंड करता है, किस पर, किस पर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर पर और लर्निंग बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है, विच में मैरी विद विच बी वेरी विद द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ बदलता रहता है ना। आइए एक हम आपके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। यहाँ देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप समझेंगे। यहाँ इम्प्रिंटिंग के विषय में कुछ खास दिया गया है। बिहेवियर इम्प्रिंटिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार है दैट इन्वॉल्व्स लर्न्ड एंड इननेट कंपोनेंट। ये दोनों, जैसे कि मैंने बताया ना, ये लर्निंग बिहेवियर भी है और इननेट बिहेवियर भी है, जिसको हम इननेट को हम इंस्टिंक्ट भी कहते हैं या इनबॉर्न भी कहते हैं, विच इज इनहेरिटेड थ्रू द जीन्स, जो माता पिता के जीन्स के द्वारा इनहेरिट होता है बच्चों में, उसको हम इननेट बिहेवियर कहते हैं या इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं या इनबॉर्न बिहेवियर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इम्प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ द बिहेवियर, ये दोनों बिहेवियर है, विच इन्वॉल्व दैट इज द लर्निंग एज वेल एज द इननेट कंपोनेंट। ये इननेट कंपोनेंट और लर्निंग कंपोनेंट दोनों को एक अपने साथ क्या करता है, वो इन्वॉल्व करता है। एंड वंस डज इज इरिवर्सिबल, और ये क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, अर्थात जो बच्चा मूविंग ऑब्जेक्ट को पहली बार देख लेता है वो भविष्य भर, जीवन भर उसको अपना गार्जियंस मानेगा, वो इरिवर्सिबल है। कैसा है वो, इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं है, अर्थात वो उसके दिमाग में जो इम्प्रिंट हो जाएगा, जो छप जाएगा, वो आजीवन बना रहेगा। तो सो इट इज अ टाइप, इम्प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल रिस्पॉन्स है ये, है ना। अर्थात वो जो स्टिमुलस के रूप में जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को पहली बार देखेगा, उस स्टिमुलस के प्रति वो अपना रिस्पॉन्स कैसा करेगा, इरिवर्सिबल रिस्पॉन्स करेगा, आजीवन उसको अपनी क्या करेगा, वो अपनी गार्जियंस मान लेगा, अपनी माँ मान लेता है ना। तो अब देखिए दूसरा चीज, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड क्या क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है, तो क्रिटिकल पीरियड क्या है, ये टाइम ड्यूरिंग विच द बिहेवियर मस्ट बी लर्न्ड, एक ऐसा टाइम जिसके अंतर, मतलब जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर किसी व्यवहार को सीखा जाता है, उसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, है ना। तो क्रिटिकल पीरियड क्या है, तो क्रिटिकल पीरियड क्या है, जन्म के 48 घंटे का समय जो होता है क्रिटिकल पीरियड होता है, तो उस क्रिटिकल पीरियड के अंदर जो चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं, जो चीज़ हम सीख लेते हैं, उसको हम सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड के अंतर्गत हम मानते हैं, है ना। और वही बिहेवियर हमारा इम्प्रिंट कहलाता है, क्या कहलाता है, वो बिहेवियर उस क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर जो चीज़ें हम नए रूप से सीखते हैं, उसी को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इम्प्रिंटिंग क्या है, जो हमारे दिमाग में छप जाता है उस क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर, कोई भी चीज़ जब मूविंग ऑब्जेक्ट उसके आँख के सामने दिखाई देती हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग उसके दिमाग में छप जाती है, और उस प्रकार के बिहेवियर को हम इम्प्रिंटिंग बिहेवियर कहते हैं। और जिस टाइम पीरियड के अंदर छपा हुआ वो या सीखा हुआ वो लर्निंग प्रोसेस है, सीखा हुआ जो अधिगम है, उसको हम सेंसिटिव क्रिएटिव, उसको हम सेंसिटिव या फिर क्रिटिकल टाइम पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, एक बार आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत अच्छे शब्द, अगर बार बार इसको मंथन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ये पेश है गीज का, है ना, जिसको तीतर और बटेर कहते हैं। तीतर और बटेर का एक एग्जाम्पल पेश है, जिसको सबसे पहले कॉर्नर्ड लॉरेंज ने किया था। किसने किया था, कॉर्नर्ड लॉरेंज एक प्रकार के बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल पेश किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए ये किया है, यंग गीज विल फॉलो देयर मदर एंड लर्न हर बिहेवियर। कह रहा है कि जो यंग गीज होता है, गीज माने तीतर बटेर, तीतर बटेर का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही हैचिंग करके अंडे से बाहर आता है बच्चों, वो सबसे पहले अपने माँ को फॉलो करता है। तो उसकी माँ उसके सामने होती है, फिर क्या करता है, जैसे जैसे माँ उसकी आगे की ओर बढ़ती है, पीछे पीछे बच्चे उसके चल देते हैं। जैसे फिगर में आप देखिए ये दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये ऐसे चलते हैं, आगे आगे उसकी माँ होती है, पीछे से बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि उस क्रिटिकल टाइम पीरियड के समय उन्होंने जो दृश्य देखा अपनी माँ का, वो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया, छप गया। तो वही इसमें गीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया है। तो इसमें क्या है, यंग गीज़ विल फॉलो, यंग गीज़ जो होते हैं वो फॉलो करते हैं अपनी माता को एंड लर्न, और सीखते हैं उसके बिहेवियर को ना, एंड लर्न हर बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को सीखते हैं, है ना। तीतर और बटेर और डक में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तीतर बटेर गीज़ और डक के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माता को बहुत तेजी से फॉलो करते हैं, जिस प्रकार से उसकी माता मूवमेंट करती है ठीक उसी प्रकार से उसके बच्चे उसके पीछे पीछे चल लेते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया सामने, यहां देखिए लॉरेंज का एक्सपेरिमेंट। लॉरेंज ने क्या किया बच्चों, पहले इसको देखिए। लॉरेंज साहब ने ये किया कि जब हैचिंग होने वाला अंडा था, अर्थात अंडे से जब बच्चे बाहर आने वाले थे, उस समय उन्होंने क्या किया कि माँ को, जो उसकी माँ है, माँ को अंडों से बाहर रखा और इतना दूर कर दिया कि वो उसकी माँ वहाँ नहीं दिखाई दे रही। और सबसे पहले जब अंडे हैच होकर बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने किसको देखा, लॉरेंज साहब को देखा। और लॉरेंज साहब को जैसे देखा, फिर लॉरेंज साहब जिस प्रकार से मूवमेंट करते थे ठीक बच्चे उसी प्रकार से मूवमेंट करना सीख, लॉरेंज साहब जब आगे आगे चलते थे तो बच्चे उनके पीछे पीछे चल देते थे। कैसे पता चला कि वो लॉरेंज का अनुसरण कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब गीज के सामने अर्थात तीतर बटेर के बच्चों के सामने जब उसकी माँ को पेश कर दिया गया, तो माँ जिस प्रकार से चल रही थी उसका अनुसरण ये नहीं कर रहे थे, जिधर से लॉरेंज साहब जा रहे थे बच्चे उसी के पीछे जा रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 48 घंटे के अंदर जो दृश्य उनको दिखाई दिया वो लॉरेंज साहब की एक्टिविटीज दिखाई दी, और तो लॉरेंज साहब की एक्टिविटीज उनके दिमाग में घर कर गया और फिर वो लॉरेंज साहब के साथ उस प्रकार से वो क्या हो गए, चलने लगे, है ना। तो फिर ये चीजें क्या हो गई, लॉरेंज के साथ हो गई। तो फिर उसमें क्या हुआ कि लॉरेंज साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसमें लॉरेंज साहब ने ये देखा कि जैसे ही फिर उन्होंने क्या किया, उसकी माँ को अंडों के सामने, मतलब बच्चों के सामने लाया गया, लेकिन बच्चे उसकी माँ का जो एक्टिविटीज़ था उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो फॉलो किसको कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं लॉरेंज साहब को। जैसे जैसे लॉरेंज साहब आगे जा रहे हैं बच्चे ठीक उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रही है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, या फिगर आप देखिए कि लॉरेंज साहब आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे उनके सभी बच्चे जा रहे हैं, और वो अपनी माँ का अनुसरण नहीं कर। इसका मतलब ये कन्फर्म हो जाता है कि उस क्रिटिकल टाइम पीरियड के समय उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, लॉरेंज को देखा, इसलिए लॉरेंज का अनुसरण करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ इम्प्रिंट कर गया कि यही हमारे माता पिता हैं, है ना। तो वो अपने गार्जियंस के रूप में लॉरेंज को देखना शुरू कर दिए, और फिर वो लॉरेंज के साथ ही जिस प्रकार से एक्टिविटीज़ करते थे उन्हीं के साथ वो चलते थे, है ना। तो वो अपनी माँ को नहीं समझ पाए, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है। दूसरे एग्जाम्पल में गुल साहब का एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या कहा, इफ पेरेंट्स डज नॉट बॉन्ड्स विद ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज, अगर कोई माता पिता अर्थात कोई अगर पेरेंट अपने बच्चे के साथ, अपने संतान के साथ, मतलब पैदा होने के 2 दिन के अंदर अगर वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं अर्थात उनके साथ नहीं रहते हैं, तो क्या होगा, सी विल नॉट रिकग्नाइज देम, फिर वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पहचान नहीं पाएंगे। अर्थात माँ अगर 2 दिन के अंदर अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती है तो वो बच्चा आजीवन अपनी माँ को माँ नहीं पहचान पाएगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज देम एज हर ओन, अर्थात अपनी खुद की माँ के रूप में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, एंड दे विल मोस्ट लाइकली नॉट सर्वाइव, और फिर वो उस ढंग से उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से एक एक्चुअल माता और बेटे के बीच में या उनके बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस क्रिटिकल पीरियड के समय में हर एक माता को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसके बिहेवियर को इम्प्रिंट करता है, उसके बिहेवियर को फॉलो करता है और लॉन्ग लास्टिंग उसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करता है, ठीक। तो ये ज़रूरी है किसी भी माता को अपने बच्चे के साथ क्रिटिकल टाइम पीरियड के समय उसको रहना ही चाहिए, है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, बेबी डक एंड गीज इमीडिएटली फॉलो मूविंग एनिमल्स और थिंग्स दे फर्स्ट सी, अर्थात यहाँ बताया गया है कि एक बेबी डक अर्थात एक डक, डक का बेबी, किसका बेबी, डक का बेबी, और गीज तीतर बटेर का बेबी, अर्थात सबसे पहले जिस मूविंग थिंग्स को वो देखता है, मूविंग एनिमल्स को देखता है, उसी का अनुसरण वो करता है। तो अर्थात ये बहुत इमीडिएटली बहुत तेजी के साथ अनुसरण करते हैं, तो इनके अंदर इम्प्रिंटिंग की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किसमें, डक बेबी में एंड गीज बेबी में। अर्थात वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ तक कि गेंद को अगर मार दिया जाए, उसके क्रिटिकल टाइम पीरियड में अगर कोई गेंद आगे आ जाती है और गेंद मूवमेंट कर रहा है तो वो गेंद को ही अपनी माँ मान लेता है। तो मैंने बताया कि चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसकी आँख के सामने आती है तो उसको वो क्या मान लेता है, अपना पेरेंट्स मान लेता है, ठीक। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट।
आइए दूसरा है इनसाइट या रीजनिंग लर्निंग। दूसरा लर्निंग क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर का दूसरा पार्ट है जिसको हम इनसाइट या फिर रीजनिंग लर्निंग कहते हैं। ठीक बच्चों, इसको हम सूझ का सिद्धांत भी, आगे हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, माना जाता है। तो देखिए, इनसाइट लर्निंग इज द यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। अर्थात किसी न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग अपना पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस को अलाउ करते हैं, अर्थात अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रीवियस अनुभव के आधार पर जब हम नए समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इस प्रकार के बिहेवियर को हम इनसाइट लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइट लर्निंग बिहेवियर या फिर रीजनिंग लर्निंग बिहेवियर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर समझिए, अर्थात अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, पूर्व के अनुभव के आधार पर जब हम नए समस्याओं का, अगूढ़ समस्याओं का समाधान करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार के सूझ को हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, या फिर इसको हम इनसाइट या फिर रीजनिंग लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज को और जो हमने पूर्व में सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे किसी नई समस्याओं के समाधान के लिए, है ना। तो इस प्रकार का जो लर्निंग होता है इसको हम इनसाइट या रीजनिंग लर्निंग कहते हैं, है ना। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म करेक्टली इन द नॉवेल सिचुएशन। अर्थात कोई नई स्थिति अगर हमारे सामने आ जाती है, कोई नॉवेल सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाती है, तो उसको हम कैसे करेक्टली परफॉर्म करेंगे, इस प्रकार की योग्यता को ही हम क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग कहते हैं, है ना। अर्थात जैसे हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाते जाते समय हमको मतलब एकाएक, अब अर्थात इंसिडेंटली हमारे ऊपर किसी टाइगर ने अटैक कर दिया, तो हम अब वहाँ क्या करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे थोड़ी कि अब वहाँ हम अपना गिनती पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। अब वहाँ हमको क्या करना है कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस अर्थात जो हमारा पूर्व का नॉलेज है, वहाँ अपने नॉलेज को लगाएंगे और फिर उससे उस नॉवेल सिचुएशन, जो एक नई सिचुएशन हमारे सामने गंभीर समस्या आ गई है, उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। तो वहाँ अपने सूझ का सिद्धांत लगाएंगे, हम अपने माइंड को लगाएंगे, जो प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है उसी के आधार पर हम उस टाइगर से निजात पाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो प्रीवियस नॉलेज वही कह रहा है, इट इज द एबिलिटी, ये एक ऐसी योग्यता होती है विच परफॉर्म करेक्टली, जो हम बहुत अच्छे ढंग से इसको परफॉर्म कर पाएंगे इन द नॉवेल सिचुएशन, अर्थात जो नई सिचुएशन, नई समस्या हमारे सामने आ गई है उसको हम किस प्रकार से करेक्टली परफॉर्म कर पाएंगे, इस प्रकार की योग्यता जो हमारे अंदर अडॉप्ट होती है उसको हम इनसाइट लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या है, अनलाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग इनसाइट लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर। अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में ये नहीं है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आप देख रहे थे कि एक पजल बॉक्स था उसके अंदर बिल्ली थी, अब बिल्ली के बाहर क्या था, अर्थात उस पजल बॉक्स के बाहर फिश रखा गया था, अर्थात मांस रखा गया था। अब वो बिल्ली उस मांस को चाहती है, पाना चाहती है, लेकिन वो पा नहीं पा रही, तो वहाँ एक लीवर लगा हुआ है और बिल्ली क्या करती है, बार बार इधर उधर हाथ पैर चलाती है, अचानक ही उसके लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो मछली को पा लेती है। तो वो तो रहा ट्रायल एंड एरर, अर्थात बार बार वो प्रयास कर रही है और अचानक वहाँ उसका तुक्का काम कर जाता है। लेकिन बच्चों आप समझिए कि अगर जंगल में कोई टाइगर आ गया है तो क्या वहाँ हम अपना इधर उधर का हाथ पैर चलाएंगे क्या? अगर हम लोग बदतमीजी करेंगे, इधर उधर उदंडता करेंगे, इधर उधर फालतू अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तब तक तो टाइगर हमको मार डालेगा। वहाँ हमको तुरंत अपने सूझ का सिद्धांत लगाना है, हमको वहाँ रीजनिंग लगाना है, हमको वहाँ इनसाइट लर्निंग लगा देना है, अपना प्रीवियस नॉलेज लगाना है कि कैसे हम जल्दी से निजात पा जाएं। वहाँ हमको अपना दिमाग लगाना है, वहाँ हमको ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, वहाँ हमको क्या करना है, दिमाग। तो वही कह रहा है कि इट इज़ अनलाइकली कंडीशन ऑफ ऑपरेंट, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसा नहीं है जिसमें क्या होता है ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होता है, इंस्टीड एंड एनिमल्स थिंक्स थ्रू अ सोल्यूशन, अर्थात कोई एनिमल्स सीधे सोल्यूशन पर जाएगा, सीधे प्रॉब्लम पर जाएगा, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, अर्थात अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो, है ना। वहाँ ट्रायल एंड एरर करने की कोशिश नहीं करेगा, वहाँ क्या करेगा, सीधे सोल्यूशन पर जाएगा, सीधे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीधे और सीधे अपने हल को निकालेगा और वहाँ क्या करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज को लगाएगा, है ना। अर्थात पूर्व में सीखी गई जो चीज़ें हैं उसी को अप्लाई करेगा और उसी के आधार पर एक नई समस्या की, जो नॉवेल सिचुएशन आ गया है, उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। इसी को हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं या रीजनिंग लर्निंग कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द लर्निंग, इसको लर्निंग का सबसे मोस्ट एडवांस फॉर्म कहा जाता है। अर्थात जितनी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय आप क्या करेंगे, जितना चीज मैं पढ़ा देता हूं, पढ़ाने के बाद कुछ चीजें आपको हमारे पढ़ाए हुए चीजों में से नया चीज निकालना है, कुछ नई चीजों का ईजाद करना है, वही तो रिसर्च होता है। रिसर्च में बच्चे यही करते हैं कि जो चीजें पढ़ाई गई होती है उसी को रेफरेंस मानकर कुछ नई चीजें खोजी जाती हैं, उसी का नाम हो रिसर्च होता है ना। तो कुल मिला के जो जटिल प्रॉब्लम, जो रीजनिंग होती है, जो मैथमेटिक्स का सॉल्व
अलग होता है, या फिर जो नई चीज़ें खोजी जाती हैं बच्चों वो इसी इनसाइट लर्निंग पर डिपेंडेंट है ना, कि जो चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं उसी को अप्लाई करके हम कुछ नॉवेल चीज बाहर निकालते हैं, उसी को हम हाइपोथेसिस कहेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च में भी यही चीज़ें आती हैं। तो वही कह रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द लर्निंग, इसको लर्निंग का सबसे मोस्ट एडवांस फॉर्म माना जाता है और अधिगम का सबसे अच्छा प्रारूप यही होता है, कौन सा, इनसाइट या लर्निंग रीजनिंग लर्निंग बिहेवियर। ठीक, आइए कुछ और एग्जांपल के देखते हैं। ये एग्जांपल क्या है, अ चिंपैंजी वॉज इन द केज एंड अ बनाना वॉज प्लेस्ड आउट ऑफ द रीच, ही यूज अ स्टिक टू रिट्राइव द बनाना। चिंपैंजी एक बॉक्स में रखा गया है, एक केज में, एक पिंजरे के अंदर है, और एक बनाना है, बनाना उसके पहुंच से थोड़ा सा बाहर रखा गया है, दूर है ना। अब वो क्या करेगा, ही यूज टू स्टिक, और उस पिंजरे के अंदर एक छड़ी डाल दिया जाता है, एक स्टिक डाल दिया जाता है। अब ये देखना है कि चिंपैंजी उस बनाना को कैसे पाएगा, फालतू का हाथ पैर नहीं चलाएगा कि हम कैसे पा जाएंगे। अब वो अपना दिमाग लगाएगा कि आखिर उस पिंजरे में पड़ा हुआ जो स्टिक है, जो डंडा है, उस डंडे का उपयोग करके हम बनाना को कैसे पा जाएंगे। तो फिर क्या करेगा, चिंपैंजी अपना सूझ का सिद्धांत लगाएगा और उस डंडे को उठाएगा और फिर डंडे से क्या करेगा, बनाना को खींचेगा और फिर वो पा जाएगा। तो वहाँ क्या हुआ, उसका सूझ का सिद्धांत हुआ, अर्थात प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उसको ये पता होता है कि डंडी का पहुँच उसके पास तक हो जाएगा, इसलिए स्टिक को उठाएँ और बनाना को हम पा जाएँ। तो ये चीज़ क्या हुआ, सूझ का सिद्धांत हुआ जो चिंपैंजी पर लागू हुआ। अगला क्या है, समटाइम्स व्हेन प्लेइंग अ वीडियो गेम्स इनसाइट इज नीडेड टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। कभी कभी जहाँ हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए हम लोग इनसाइट लर्निंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट में क्या करते हैं, आप अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर अगर आपको कवर ड्राइव करना है, किसी प्रकार का बॉल मारना है, तो आपको वहाँ अपनी सोच का सिद्धांत लगाना है कि हमको किधर से मारना है, किधर से स्पेस खाली है जिधर हम अपने बॉल को ड्राइव कर दें और कोई पकड़ ना पाए। तो वो क्या करना है, वहाँ आपको अपना इनसाइट लर्निंग लगाना है, वहाँ अपनी सोच का सिद्धांत लगाना है ना। अगला एक और एग्जांपल आप देखिए, सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, अर्थात मैथ जो कॉम्प्लेक्स जटिल मैथ का प्रॉब्लम है उसको भी हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस फार्मूले के आधार पर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अर्थात जटिल से जटिल समस्याएं, जटिल से जटिल अगूढ़ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम प्रीवियस जो फार्मूले होते हैं उन्हीं को अप्लाई करके फार्मूला को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने पेश है, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है, ये क्या है, अ डॉल्फिन लर्न द कमांड थ्रू द बॉल्स द फर्स्ट टाइम ट्रेनर सेस थ्रू अ बॉल द डॉल्फिन डज इट करेक्टली। डॉल्फिन क्या करती है, किसी भी कमांड को क्या करती है, सीखती है, अर्थात बॉल उसके मुख पर डाला, एक ट्रेनर है उस बॉल को फेंक रहा है और डॉल्फिन उस बॉल को अपने मुंह पर लेना चाहती है, तो क्या करता है ट्रेनर जब बार बार ये कहता है तो अपने सूच का सिद्धांत लगाकर डॉल्फिन क्या करती है, सीधे बॉल को अपने मुख तक ले आती है ना, अर्थात वो ट्रेंड हो जाए, अपने सूच के सिद्धांत के आधार पर बॉल को अपने मुख पर अटैच कर लेती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल थे बच्चों, ये इनसाइट लर्निंग के एग्जाम्पल थे। तो आज के वीडियो सेगमेंट से बच्चों हम लोगों ने लर्निंग बिहेवियर को कंप्लीट किया है। अब अगले वीडियो सेगमेंट से बच्चों हम लोग माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स की बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो तो सबसे पहले अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।